लॉकडाउन के बीच शनिवार की सुबह एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई जिसे हावड़ा के बाली इलाका पूरी तरह से कांप उठा। एक 5 साल की बच्ची के हाथ का नस काटकर खुद के हाथ का नस काटकर मां ने किया आत्महत्या का प्रयास, जिसके बाद बच्ची और मां दोनों को गंभीर हालत में हावड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बच्ची ने पहले ही दम तोड़ दिया तो वहीं मां की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला के पति की पिछले दिसंबर माह में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही महिला मानसिक रूप से काफी परेशान चल रही थी। महिला के पिता ने जब शनिवार की दोपहर बार बार फोन किया और फोन नहीं उठाया गया, तब वो लीलवा से बाली की ऑर्गेनाइजेशन लेन में अपनी बेटी के फ्लैट में पहुंचे। उसने जब दरवाजा खोला तो अपनी बेटी और पोती को खून से लथपथ देखा। जब दोनों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने 5 वर्षीय बच्ची को मृत घोषित कर दिया। प्रामाणिक आशंका जताई जा रही है कि महिला मानसिक अवसाद के कारण अपनी ही बेटी की हत्या करके आत्महत्या करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि उस महिला से पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन क्या यह केवल आत्महत्या है या इस घटना के पीछे है कुछ और रहस्य, इसकी जांच पुलिस कर रही है। रात्रि मेरे माँ इखने छिलो तो रात्रि उन्हीं चले आसलें बाड़ीते, तो सकाले जानते परलम जे फोन करछेन सकाल दिए, तो उन्हीं फोन तुलछेन ना स्विच टॉप आसछे, तो एबारे जखन आसलो আমরা যখন আসলাম এখানে দেখছি তো দরজা পেটাচ্ছি খুলছে না, লাস্টে দরজা ভাঙলাম, ভেঙে ঢুকছি, মেয়ের মা পড়ে আছে আর মেয়ের মেয়ে পড়ে আছে এখানে। তো ওনাকে মেয়ের মার একটু নিঃশ্বাস চলছিল, তো ওনাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে হর হসপিটালে, আর ছোট মেয়েটা যেটি ওনার তো ডেথ হয়ে গেছে। তো এইটাই হয়েছে ছিল, ওনার কিছু অসুবিধা ছিল হঠাৎ এরকম কেন? হাজবেন্ডটা মারা গেল, তো হাজবেন্ডটা মারা গেল এই 4 মাস হবে, এই 24 তারিখ হলে। আচ্ছা আচ্ছা, হাজবেন্ডটা মারা গেল তো কি উনি খুব মিল ছিল, ওদের কোনোদিন ঝগড়া আর কিছু হয়নি, ব্রেন টিউমারে মারা গেছে। তো এই নিয়ে কি উনি ডিপ্রেশনে ছিলেন? এমনি তো ডিপ্রেশন কি, আমি তো 1 মাস ধরে আছি কিন্তু খেয়েছে দিয়েছে, আমি রান্না করতাম, ও বিকালে রান্না করতো, খেয়েছে দিয়েছে সব কিছু করতো, মেয়েকে।